चुका है एंड यहाँ पर आते ही भाई सबसे पहले ब्लॉग हमारा ही चल रहा है। बहुत दिन के बाद मम्मी को होटल में खिला रहा है। तो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? आई होप सब बढ़िया होगा। फिलहाल भाई 9 बज चुके हैं। तो गाइज आज का बेसिकली प्लान है हमें बिहार से जाना। क्या है ना कि आज से 2 महीने पहले मैंने लाइसेंस वगैरह अप्लाई किया था, तो उस टाइम तक तो मुझे लर्निंग ही मिला था और लाइसेंस अभी तक नहीं दिया था। तो अभी फिलहाल जाकर ना लाइसेंस रिसीव करना है और पता नहीं बना भी होगा कि नहीं होगा, तो फिलहाल चलकर देखता हूँ। एंड उसी दौरान ना मम्मी को कुछ काम आ गया, तो मम्मी भी अचानक से बोली कि हम भी चलेंगे बिहार से। तो फिलहाल अभी खाना पीना खाते हैं, अभी खाना वाना नहीं खाए, तो खाना पीना खाकर मम्मी के साथ निकलते हैं। तो ये लड़के अलग ही तबाह रखे, नीचे कपड़ा वड़ा बिक दिया एंड वेट वेट सजाने में लगी हुई है। अरे मम्मी तो रेडी नहीं हुई, उधर ही कुछ कुछ करने में लगी हुई है और साथ में ये लड़की भी जाने के लिए तैयार है। तू भी चलेगी ना? हाँ, स्कूल जा रहा है? हाँ? पढ़े जा रहा है? स्कूल नहीं जा रहा, पढ़े जा रहा है। तो फिलहाल गाइस अभी नहा धो कर रेडी हो चुके हैं एंड इधर तो अभी भाई सब टाइपिंग वाइपिंग करने में लगे हुए हैं। कंप्यूटर लैपटॉप कुछ है नहीं और कीबोर्ड ला कर रखे हुए हैं, काफी टाइम पहले एक्चुअली इसीलिए था ना। हाँ एक्चुअली ये सीन था ना कि 10th या 12th में पढ़ता था ना, तो टाइपिंग सीखता था। अब उस टाइम ना 20 या 30 की स्पीड कर देता था टाइपिंग, अब पता भूल गया। हाँ 20-30 की स्पीड टाइपिंग कर देते थे फटाफट फटाफट बिना देखे, तगड़ा वाला मारते थे। लेकिन भूल गए, क्लास गए थे 6 महीना फिर खत्म। तो फिलहाल पूरा इधर खाना वाना निकाल रहे हैं। हम मारेंगे 40 की स्पीड मारे का इसकी स्पीड है। तो फिलहाल गाइस अभी मम्मी भी रेडी हो चुके हैं, चलना है मम्मी? अचानक फिर मम्मी का काम आ गया, कुछ रीजन है थोड़ा सा, फिर चलते हैं। मेरा तो है लाइसेंस का काम, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हटो हटो हटो, तुम रेडी हो गई? हाँ चलो फिर। दादी तुम कब चलोगे? फिर गिरा देगा, फिर गिरा देगा, मुझे लग रहा फिर गिरा देगा। तो फिलहाल का रुके थे काम के लिए, तो फिलहाल मम्मी का काम तो कुछ हो गया इधर, तो फिलहाल अभी चलते हैं डायरेक्ट बिहार से मिलते हैं। तो अभी बिहार से पहुंच चुके हैं एंड अभी जस्ट बुआ के यहाँ नहीं पहुँचे, जो रहता है ब्रदर अंगूर मम्मी ले रही है। एक घंटा यहाँ पर लगा, तगड़ा वाला जाम लग चुका है इधर, हालत ख़राब हो गया। मेरा तो हाथ दर्द करने लगा हैंडल पकड़ पकड़ के, एक घंटा बिहार से जाम में रहिए। जल्दी 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 फिलहाल गाइस अभी रूम में पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पर आते ही भाई सबसे पहले ब्लॉग हमारा ही चल रहा है। इधर सब लोग टीवी में ब्लॉग देख रहे हैं, हमें यहाँ पे साक्षात पहुँच गए। फिलहाल गाइस अभी निकल गए, एक्चुअली ना धूप तो काफी ज्यादा तेज कर रखा, जो लाइसेंस का काम था ना उसके लिए जाना पड़ेगा। चलते फिलहाल अभी जो गया था ना पेमेंट करना था, तो ऑनलाइन था मेरे पास। एटीएम ढूंढ रहा हूँ, इधर एटीएम मिल ही नहीं रहा, ये एटीएम है इस पर बट निकल नहीं रहा, और आगे ढूंढ रहा हूँ मिल ही नहीं। तो वो एक जगह है तो कहीं नहीं मिल रहा, ऐसा तो निकला नहीं, इधर ही देखते भाई। बोले ऑनलाइन ले लो यार, क्या जमाना है, ऑनलाइन का जमाना सब कैश खोलते हैं, बड़ा प्रॉब्लम। तो फिलहाल गाइस अभी पेमेंट निकालना वगैरह हो गया भाई साहब, आपको विश्वास नहीं होगा ये टंकी ना बहुत ज़्यादा गर्म है, ये पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा गर्म है, बैठते रहते जलता है बिल्कुल से, बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी जा रहा है, हालत ख़राब हो गया भाई साहब। सीधा जो काम करवा रहा था ना वो तो हो गया एंड अभी फिलहाल ना मुझे ना RRR देखने का मन कर रहा है। तो फिलहाल चलते हैं अभी देखते हैं सिनेमा हॉल में कि कितना बजे टाइमिंग वाइमिंग है, क्योंकि मम्मी 7 महीने तो आज रुकने का प्लान नहीं है। फिलहाल आ चुके हैं अभी हॉल के पास, पता है मतलब पटना में टिकट मिलता ही नहीं है। और इधर देखिए यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है RRR को देखने के लिए, पीछे हो गया ये RRR ना, बहुत मन कर रहा है देखने का। तो फिलहाल चलते हैं पता करते हैं, अगर मम्मी को साथ नहीं जाते ना तो आज देख ही कर जाते, बट मम्मी साथ में अगर लेट हो जाएगा तो फिर नहीं देखेंगे। यहाँ का जो शो का टाइमिंग है वो है 2:45 में, अभी 2 बजा, और जो टाइमिंग होगा 2:45 से लेकर 5-6 बजेगा। अगर देखने लगे ना तो फिर घर जाना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो फिलहाल चल रहे हैं रूम पे, रूम पे जाने के बाद मम्मी से पूछते हैं आज रहना है या तो फिर चलना है घर, उसके बाद डिसाइड करेंगे देखना या नहीं। घर में टीवी पर है ना लेकिन हॉल प्रिंट है, हॉल प्रिंट में मजा है, जो हॉल में वो प्रिंट में नहीं मजा आएगा। तो हमारा इधर एक ब्लॉग चल रहा है, ये वाला कल वाला दे देखो, चल रहा है RRR देख रहे। हाँ।
सीन ये बन रहा है ना, मम्मी को घर जाना है, मम्मी इधर सोई हुई है, मम्मी को घर जाना है ना, इस वजह से कैंसिल करना पड़ रहा है। और टाइमिंग भी हो गया, अढ़ाई बज गया बिल्कुल, मतलब देखेंगे कभी और कल या परसों आके। मम्मी तो एक्चुअली मान गए, चलो देखते हैं, टाइम बचेगा ना तो रात को घर निकलेंगे, बाकी नहीं बचेगा तो फिर कल निकलेंगे। चलो कहा दिखा चाहिए, चलो ना देखेगा। टिकट तो ले लिया बट मिला यार कंफर्टेबल टिकट, नीचे का टिकट मिला बट कोई नहीं, हमें देखना है, देख कर निकल जाना, इसलिए चलो एडजस्ट करके देख लेंगे। तो फिलहाल गाइस मूवी का इंटरवल हुआ था, भाई तगड़ा मूवी है बिल्कुल। तो फिलहाल अभी खाने के लिए कुछ ले लिए एंड डायरेक्ट चलते हैं अब अंदर। ऐसा लग रहा जैसा कि एक जाम टूटा है, देखो ना भाई कितना भीड़ था। मूवी देखे, मूवी काफी ज्यादा अच्छा लगा, बाहुबली तो फेल है। गाइज अभी रूम पे पहुंचे, अभी बजा 6 बज रहा है, बहुत जबरदस्त लगा अडे मूवी का ना, मतलब इंतजार। और जो धनुष वाला सीन था ना वो बहुत ही जबरदस्त। और बाकी आगे चलते हैं, अभी फिलहाल घर मम्मी फिलहाल चाची के यहाँ गई हुई है, तो चाची के रूम से अभी रिसीव करते हैं, उसके बाद चलते अभी फिलहाल। तो फिलहाल भाई साहब अभी तो फिलहाल बार बार पहुंचे, बिहार से काफी टाइम पहले नहीं जाते, आधा घंटा हो गया आपको। तो फिलहाल इधर कुछ खाने के लिए देखे, मम्मी को भी थोड़ा भूख वूख शायद लगा हुआ होगा, रास्ते बहुत ज्यादा धूप पड़ रहा था। मम्मी खा लो, बैठे बैठे खाओ खाओ खाओ, बहुत दिन के बाद मम्मी को होटल में खिला रहा है। तो फिलहाल खाना पीना तो हो गया कम्प्लीट, फिलहाल अभी चलते हैं घर पे, पहुंच चुके आते के साथ। ये सब अपना ठंडा चाउमीन कितना खाता है देखो, या देखिए आते के साथ प्लेट में उझल दिया चाउमीन, पता है कॉल करके बोल रहा था कि अंडा चाउमीन अगर नहीं लेकर आए तो फिर नहीं आइएगा। अब डर से लाना पड़ा भाई साहब। पूना में ये दोनों धमकी देती है भाई। सो बस गाइस आज के लिए इतना, खंड अभी जो है मॉर्निंग का समय है, ठीक है मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं, जस्ट मैं सुबह उठकर वीडियो वगैरह एडिट किया था, आते साथ मैं रात को सो गया। उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड हाँ सबसे कीमती वक्त निकाल कर हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता है आपको भाई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।